ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। इमरान ने चीन को बेचे दूध भी। पाकिस्तान में आया राजनीतिक भूचाल, अब विपक्ष रोकेगा इमरान की चाल। चीन को बड़ा भाई मानने वाले इमरान खान लगातार गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं। आलम यह है कि अब वहां जनता और विपक्ष ये समझ गए हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इमरान खान पूरा पाकिस्तान बेच डालेंगे। दरअसल जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने वाले इमरान खान ने खुद को चीन के चाल में कुछ इस तरह फंसा लिया है कि उन्हें मजबूरन अपने दो द्वीप चीन को बेचने पड़ रहे हैं। अब मजबूरी है या आर्थिक तंगी, लेकिन पाकिस्तान की जनता इस बात से जरा भी खुश नहीं है और विपक्ष ने तो मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी है। आर्थिक गलियारे के नाम पर जिस सपने के पीछे पाकिस्तान को लेकर इमरान खान आगे बढ़े थे, आज वही सपना उनके पैरों की फांस बन गया है। इमरान खान अब सीधे जनता के निशाने पर आ गए हैं, जनता में भारी विरोध। साथ ही विरोधी दलों और कई संगठनों ने भी ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर दोनों द्वीपों को बेचने नहीं देंगे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए इमरान खान ने जिन दो द्वीपों को चीन को सौंपा है, वो दोनों द्वीप सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। लेकिन अब क्या, अब तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इसके लिए बकायदा पाकिस्तान आइलैंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिए गए विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिया है और इसी के बाद से ही तो सिंध और बलूचिस्तान में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सिंध प्रांत में सत्तासीन पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे अवैध रूप से कब्जा करना बताया है। जियो सिंधी थिंकर्स फोरम ने कहा है कि हम अपनी जमीन को बेचने नहीं देंगे। बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। खैर, इतना तो साफ है कि सौदा हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ ही जाने वाला है। इसमें चीन की महत्वाकांक्षा की तो पूर्ति होगी, लेकिन पाकिस्तान को कुछ मिलने वाला नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी वो चीन की नीतियों का शिकार बन गया है। हालांकि अभी तक इमरान खान को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा पाकिस्तान चीन के हाथों में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।